नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस जीके स्पेशल सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त मोहित रांटा। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की कला के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट है उसके रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर जाके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की या किसी भी वीडियो की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी पडवाणी और भटाक्षरी किस चीज के द्योतक है? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, लिपियों के प्रकार है, भित्ति चित्र है, वस्त्र चित्रपट या पेंटिंग है, या फिर ऊनी वस्त्र है। तो ये जो है पाबूची, पडवाणी, भटाक्षरी, ये किस चीज के द्योतक है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है भित्ति चित्र के, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहां से उदित हुई है? उदित होता है कहां, इसका जन्म हुआ है? तो कांगड़ा चित्रकला शैली का जन्म मूलतः कहां से हुआ है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, बसौली, नूरपुर, सुजानपुर या फिर गुलेर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुलेर से। तो कांगड़ा चित्रकला जो है ये मूलतः गुलेर से उदित हुई है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2011 के लिए कालिदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए दिया गया था? तो ये किसे दिया गया था, कालिदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए? तो ये ऑप्शन कुछ इस तरह से है, शोभा सिंह, विजय शर्मा, चंदुलाल रैना या फिर राम सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विजय शर्मा, ये दिया गया था विजय शर्मा को। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं? कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, अमृता शेरगिल, रॉरिक या फिर अमृता प्रीतम या सरदार शोभा सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सरदार शोभा सिंह। तो कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन सरदार शोभा सिंह की कृतियां हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य क्या था? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से हैं, युद्ध क्षेत्र, राज दरबार या फिर प्राकृतिक सौंदर्य या भगवान कृष्ण और राधा। तो कांगड़ा पेंटिंग किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भगवान कृष्ण और राधा से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम कला एवं भवन निर्माण शैली खशा के नाम से अभिज्ञात है, इसकी आधारभूत सामग्री क्या है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मिट्टी, कागज, काष्ठ या फिर वस्त्र। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है काष्ठ, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, निकोलस रॉरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित है? तो आपको यहां पर बताना है, जो रॉरिक आर्ट गैलरी है वो हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो निकोलस जो रॉरिक थे ये कहां के थे? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, रूस के, अमेरिका के, चीन के या फिर फ्रांस के। तो ये थे रूस के, ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, सरदार शोभा सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, वह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में प्रारूपकार रहे थे, या उनकी चित्रकला में सिख गुरुओं का अत्यधिक चित्रण था, या सोनी महिवाल व हीर रांझा उनकी बेजोड़ कृतियां थी, या फिर उनकी मृत्यु अंधरेटा नामक स्थान में हुई। तो इस सवाल में जो गलत है वो ये है कि उनकी मृत्यु अंधरेटा नामक स्थान में हुई, इनकी मृत्यु यहाँ नहीं हुई थी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की गंभरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, लोक गायन से, टांकरी लेखन से, पहाड़ी चित्रकारी से या फिर चंबा रुमाल निर्माण से। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लोक गायन से, लोक गायन से इनका संबंध है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांगड़ा कलम के उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान डैश कलम चित्रकला का रहा है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चंबा कलम, नूरपुर, गुलेर या फिर बिलासपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुलेर कलम का। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहां पर है, 17वीं सदी में पंडित सेउ किस पहाड़ी रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो 17वीं शताब्दी में पंडित सेउ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मंडी, चंबा, गुलेर या फिर बिलासपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुलेर, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी लघु चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार फाटू और पद्मा पुरख इस दरबार से संबंधित था?
तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चंबा, अर्की, कांगड़ा या फिर बिलासपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये है कांगड़ा, दरबार से संबंधित था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निहाल सिंह किस राज्य का चित्रकार है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महान चित्रकार नैन सुख किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, पहाड़ी, कंपनी, मुगल या फिर उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है पहाड़ी। अगला सवाल लेते हैं, शैल सुताएं किसका चित्र है? तो शैल सुताएं किसका चित्र है, नंदलाल बोस का, अमृता शेरगिल का, अवनींद्रनाथ का या फिर राजा रवि वर्मा का? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमृता शेरगिल का, शैल सुताएं। अगला सवाल लेते हैं, पहाड़ी चित्रकला में पनिहारिन का चित्र किस शैली के रूप में निर्मित है? तो जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, चंबा शैली या फिर बसोहली शैली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चंबा शैली, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है, चंबा चित्र निर्माण में किस रंगों का प्रयोग किया हुआ है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मुल्तानी मिट्टी का, हीर मिर्ची का या फिर गेरू का या उपर्युक्त सभी का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उपर्युक्त सभी का। जो चंबा चित्र निर्माण है उनमें मुल्तानी मिट्टी, हीर मिर्ची या गेरू, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं, भारत की प्रसिद्ध चित्रकार जो बहुत छोटी उम्र में चल बसी वो कौन थी? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, अमृता प्रीतम, अमृता रस्तोगी, अमृता शेरगिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमृता शेरगिल। अगला सवाल लेते हैं, मंसूर किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, अकबर के काल का, जहांगीर के काल का, संसार चंद के काल का या फिर महाराजा रणजीत सिंह के काल का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, कांगड़ा शैली के एक चित्र में श्री कृष्ण को कौन से पर्वत उठाए हुए चित्रित किया गया है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत, गोवर्धन, हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गोवर्धन पर्वत। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सुप्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव अपना घर बनाने के लिए पसंद आया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, अंद्रेटा, मनाली, नगर या फिर बागसुनाथ। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अंद्रेटा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी चित्र की चंबा शैली किसके काल में अपनी पराकाष्ठा तक पहुंची थी? तो जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, राजा भूरी सिंह, राजा उम्मेद सिंह, राजा भीम सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजा उम्मेद सिंह। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा ब्राइड। तो कांगड़ा ब्राइड जो है ये किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, नोरा रिचर्ड की, अमृता शेरगिल की, शोभा सिंह की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है, ये है शोभा सिंह की पेंटिंग, कांगड़ा ब्राइड जो है ये शोभा सिंह की पेंटिंग है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में रुमाल कला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर या फिर किन्नौर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, चंबा का जो रुमाल है वो काफी प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का राइट आंसर है सी, चंबा। अगला सवाल लेते हैं। 1965 ईस्वी में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेशी देवी का संबंध किस कला से है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चित्रकला, मृदभांड या फिर कशीदाकारी या फिर मूर्तिकला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यहाँ पर कशीदाकारी। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार माणक किसके राजदरबार की शोभा था? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, संसार चंद कांगड़ा, आनंद चंद बिलासपुर, श्याम सिंह चंबा या फिर गोपाल सेन मंडी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संसार चंद कांगड़ा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, गांधार स्कूल, कांगड़ा स्कूल, मुगल कला या फिर पालमपुर कला। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कांगड़ा कला। तो इसी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो है वो कुछ इस तरह से है, हिमालय पर 7,000 चित्र बनाने वाले निकोलस रॉरिक किस देश से संबंध रखते थे? तो ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, अमेरिका से,
रूस से, रूस से, फ्रांस से या फिर हॉलैंड से? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ये संबंध रखते थे रूस से। अगला सवाल यहां पर लेते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सी सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, लैला मजनू, कांगड़ा ब्राइड, सोनी महिवाल या फिर गद्दन। तो इनमें से कौन सी ऐसी चित्रकला है, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जो शोभा सिंह की नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब है ये है लैला मजनू। लैला मजनू जो है ये शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांगड़ा के राजा संसार चंद टू के काल में कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, 1770, 1790, 1780 या फिर 1800। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1790। तो 1790 में कांगड़ा शैली का जन्म हुआ था। तो अगला सवाल लेते हैं यहां पर। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, जयदेव किरण द्वारा रचित गीत गोविंद हिमाचल प्रदेश की किस कलम का प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, चंबा कलम, मंडी कलम, कांगड़ा कलम या फिर बसौली कलम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कांगड़ा कलम। तो ए बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कांगड़ा कलम का सबसे अधिक विकास किस राजा के काल में हुआ? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, भूमिचंद, संसार चंद, हमीर चंद या फिर केहरी सिंह। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है संसार चंद। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंबा कलम, चंबा कलम का विकास किस राजा के काल में हुआ था? साहिल वर्मन के, राज सिंह के, राम सिंह के या फिर मेरु वर्मन के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चंबा कलम का जो विकास है वो किसके राज काल में हुआ था? वो हुआ था राज सिंह के काल में। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए जो 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था? तो चंबा कलम का वो कौन सा चित्रकार था जिसके चित्र काफी प्रसिद्ध हुए थे और 1765 में वो गुलेर से चंबा आया था? ऑप्शन कुछ इस तरह से है, संजू, भोलाराम, गोलू या फिर निक्का। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है निक्का, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली थी? तो ऑप्शन कुछ इस तरह से है, बागल, कहलूर, चंबा या फिर बुशहर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बाघल। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश में विकसित कौन सी चित्रकला शैली प्राचीनतम है? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, अर्की शैली, नगर शैली, राजस्थानी शैली या फिर बसोहली शैली। तो इनमें से कौन सी शैली सबसे प्राचीनतम है? वो है बसोहली शैली। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल यहां पर है, कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहां पर था? तो कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहां पर था? ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, ज्वालामुखी में, कांगड़ा में, सुजानपुर टिहरा में या फिर नूरपुर में। इस सवाल का सही जवाब है सुजानपुर टिहरा में। सो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करते हैं वहां पर इसे शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं हमारी वीडियो में क्या कमी है ताकि हम आने वाली वीडियोज में सुधार कर सके। इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहें, इसी तरह से अपना सहयोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। आप अपने कीमती सुझावों में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक करें, चैनल को जो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करें।